बालगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 9। आज का हमारा जो विषयांक है वे गद्य 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके बारे में आज हमें अभ्यास करना है और जिसके लेखक है अज्ञेय जी। ये लेखक का उपनाम है, उसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और आज इसका लिखा हुआ एक गद्य आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अज्ञेय जी का परिचय ले लेते हैं। अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी सन एवं निधन 1927 में हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा यानी कि कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से लेकर 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारावास में कारागार यानी कि कारावास जेल यात्रा में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अभ्यास के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता के प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने तार शतक का भी संपादन किया है। तो यहाँ पे हमने बात की अज्ञेय जी के बारे में, लेकिन आज का जो हमारा गद्य है छात्र, उसमें क्या पढ़ना है? क्रांतिकारी शेखर का बचपन। शेखर शब्द आपने सुना होगा ऐसा लगता है। शेखर हमारे क्रांतिकारी नेता थे, वे कौन थे? शेखर तो उसके बारे में क्रांतिकारी विचारों के अभिभूत एक बहुत ही अच्छा गद्य आज हमें पढ़ना है। क्रांतिकारी शेखर चंद्रशेखर आजाद, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, जो हमारे देश के लिए कुछ कार्य कर गए, आज हमारे इतिहास के पन्नों में इसका नाम लिया जाता है। तो उसके बचपन के एक प्रसंग के बारे में आज हमें पढ़ना है कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन कैसा था, इसके बारे में आज हमें अभ्यास करना है। तो इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है लेखक परिचय के बाद असहयोग की एक लहर। अब आपको पता है असहयोग है वे एक आंदोलन का नाम है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब हमारे कई क्रांतिकारी नेताओं ने अपने प्राण भी गवाए, कारावास भी भुगता और देश के लिए कुछ कार्य ऐसा कार्य श्रेष्ठ कार्य कर गए कि आज भी हम उस लोगों को याद करते हैं। तो आज हमें भी क्रांतिकारी शेखर के बचपन के बारे में अभ्यास करना है। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। असहयोग आंदोलन हुआ तो सारा देश उसमें बहने लगा यानी कि सब लोग उसमें जुड़ने लगे, लेकिन शेखर की भी यही इच्छा थी कि मुझे भी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना है, लेकिन वह उसमें जुड़ नहीं पाए क्योंकि वे बहुत ही छोटे बच्चे थे। तब उसकी उम्र ज्यादा तक नहीं थी, उसका बचपन का यह प्रसंग है। तब क्या हुआ, उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। शेखर है वे विदेशी प्रति यहाँ
जिसका पहला पॉइंट है विदेशी मात्रा के प्रति घृणा। उसको विदेशी कोई भी बात हो, कोई भी कपड़े हो, इसके प्रति नफरत ही ऐसी थी। इसीलिए क्या किया शेखर ने, अपने जो विदेशी कपड़े थे वे उन्होंने उतार दिए, छोड़ दिए, और जो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगे। उसके क्रांतिकारी विचार कैसे, आज हम लोगों में क्या है, अगर कोई बाहर से आया होता है और हमें यह बोलता है कि हम यह वहां से लाए हैं, हम यह दुबई से लाए हैं, तो हमें कितना अच्छा, अरे वाह दुबई की चॉकलेट लाए है, लंदन से लाए, तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये जो शेखर है वे क्या है, वे देशी कपड़ों पहनने लगे, विदेशी कपड़े उन्होंने एक तरफ रख दिए। उन्होंने ऐसा सोचा कि आज के बाद मैं कभी विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने सारे विदेशी कपड़े अपने पास जो भी जितने भी थे वे एक तरफ रख दिए, और जो देसी कपड़े थे तीन या चार तो वे ही पहनने लगे, और बाहर घूमना फिरना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि अगर वे बाहर जाते हैं तो उन्हें कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसके पास तो इतने कपड़े नहीं थे तो वे क्या करें। इसीलिए उन्होंने बाहर जाना ही छोड़ दिया। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की ओर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समावेत पुकार उस पर पहुंचती। अब ऐसा होता था शेखर है वे बाहर नहीं निकलता था, घर में ही रहता था और खिड़की से देखता था क्या कि खिड़की से देखने पर कितने सारे लोगों की आवाज उनके कानों में गूंजती थी। और क्या बोलते थे वे सारे लोग, गांधी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह काला। गांधी जी की जय जयकार करते थे और दुश्मनों का मुंह काला ऐसा नारा सब लोग वहां से गुजरते थे तब निकालने लगते थे। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी की बोलबाला दुश्मनों का मुंह काला। इसमें ऐसी बातें ऐसा नारा सुनकर शेखर के मन में भी उत्सुकता आ जाती, उसका नया विचार आ जाता, मन पुलकित हो उठता, प्रफुल्लित हो उठता और वे बोलने लगता, खिड़की से ही वे बोलने लगता है, नारा गुंजाने लगता है, गांधी की बोलबाला दुश्मनों का मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। क्योंकि शेखर है खिड़की से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने घर में मना कर दिया था कि तुम्हें इस आंदोलन में जुड़ना नहीं है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। इसीलिए उस पर एक अंकुश था कि तुम्हें वह आंदोलन में नहीं जाना है। लेकिन यही बात उसे प्रेरित करती थी, घर में रहकर भी उसके मन में देश प्रेम जाग उठता था। और वे क्या कहते थे कि माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। अब एक दिन ऐसा होता है उसकी माँ घर में है, इसके सिवा सारे लोग हैं वे बाहर गए हुए हैं, तो उसने क्या किया, माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, ऊपर की ओर जो रूम था वहां पे उसकी माँ बैठी हुई थी और इधर शेखर अकेले ही थे। उसने क्या किया, शेखर ने घर के सब कमरों में जाकर विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। यह प्रसंग समझना है, उसकी माँ ऊपर के कमरे में थी, कोठे पर वहां पे बैठी हुई थी कमरे में, लेकिन शेखर ने क्या किया, सबके कमरों में से अलमारी में से जितने भी विदेशी कपड़े थे वे सारे कपड़े बटोर लिए, यानी कि इकट्ठे कर लिए और उसका ढेर लगा दिया, एक जगह वहां पे रख दिया। घर में जितने सारे लोग थे वे सभी के विदेशी कपड़े लेकर एक जगह पे ढेर लगा दिया और उन्होंने क्या, ये सारी बात का पता उसकी माँ को रखा। उसने ढेर लगा दिया और क्या किया, लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा। क्या कर डाला,
लिए ढेर लगाया और सभी कपड़ों में उन्होंने आग लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि वे सारे कपड़े विदेशी थे और उससे विदेशी प्रति घृणा थी। उससे विदेशी कपड़े, विदेशी बातें, विदेशी लोग कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए घर के जितने भी सदस्य थे वे सभी सदस्यों के कपड़े लेकर उन्होंने कपड़े जला दिए। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी की बोल बारा दुश्मनों का मुंह काला। क्या हुआ? ढेर जला दिया और चारों ओर आग भभक उठी और चारों ओर में नाचने लगा और एक ही नारा गुंजाने लगा, गांधी की बोल बारा दुश्मनों का मुंह काला। क्योंकि उसे अच्छा लगा कि मैंने विदेशी कपड़े जला दिए, इसीलिए वे बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और तत्पश्चात होते हैं बात विदेशी मात्र के प्रति घृणा। किसी भी चीज हो सभी के प्रति उसे नफरत ही थी। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे लेकिन ढेर राख हो गया। आग भभक उठी, उसके माँ को पता चल जाता है और जब ऊपर के कमरे में से उसकी माँ बाहर आती है तब उसे पता चलता है वो यह बेटे ने तो सारे विदेशी कपड़े जला दिए हैं। और आकर वे शेखर के मुंह पे एक तमाचा मार देती है और जिसके कारण शेखर का गाल है वे लाल हो जाता है। लेकिन तब तक ढेर भी जल गया होता है, कुछ भी बचता नहीं है। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेश का प्रभुत्व ही रही है, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आने लगी और नई भी। वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा करते थे। यह भी वह शेखर से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहले आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। इसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना पड़ता था एक वह अमेरिकन मिशनरी था। अब यह प्रसंग आता है कि जब शेखर है उसके आया यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए कोई स्त्री आती है महिला, उसे कहते आया। वे आया थी, वे ईसाई थी लेकिन वे भी अंग्रेजी बोलती थी। उसके पिता का मत यही था कि शेखर को भी अंग्रेजी सीखना चाहिए, उसके भाइयों के साथ भी उसे अंग्रेजी में ही पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ना आता था शेखर को लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता था अंग्रेजी बोलना। इसीलिए शेखर अपने पिता से कहते हैं कि मैं अभी हिंदी सीख रहा हूँ। ऐसी बात कर वे सारी बातें टाल देते थे। और उसके बाद जब इसका गुरु जिसके साथ उन्होंने दिन भर, सबसे पहला गुरु था जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, वे भी अमेरिकन मिशनरी था, तो यहाँ पे शेखर को अंग्रेजी बोलने के प्रति भी घृणा है। विदेशी कपड़ों के बारे में भी बात की तो उससे प्रति भी घृणा है क्योंकि उससे कहाँ जुड़ना था, असहयोग आंदोलन में जहाँ पे नारा गूंज रहा होता है गांधी की बोल बाला दुश्मनों का मुंह हो काला। तो छात्र इस वीडियो को अब हम यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है कि आगे शेखर के बचपन के बारे में क्या होता है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने कितना पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा अज्ञेय जी का परिचय जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। और इसके बाद क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो क्रांतिकारी शेखर का बचपन कैसा था, उसके विचार कैसे थे, तो हमने यहाँ पे पढ़ा। सबसे पहले पॉइंट है असहयोग की एक लहर। जब शेखर छोटा था तब असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन में जुड़ने की इच्छा शेखर को भी थी लेकिन उसके घर में अनुमति नहीं थी कि उसे वहां जाना हो। लेकिन जब वे अपनी खिड़की से देखता था तो कितने सारे लोगों की आवाज उसके कानों में गूंजती थी। वे
कौन सी आवाज थी गांधी की बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। और शेखर के मन के विचार भी पुलकित हो उठते थे और वे भी खिड़की से चिल्लाने लगता था। एक बार की एक दिन ऐसा होता है कि घर के सारे सदस्य बाहर गए हुए हैं, घर में केवल उसकी माँ है और उसकी माँ ऊपर के कमरे में बैठी हुई है। तब शेखर क्या करते हैं कि सभी सदस्यों के कपड़े ले अलमारी में से लाकर इकट्ठा कर देते हैं और ढेर लगा देते हैं और ढेर को जला देते हैं, यानी कि सारे कपड़े विदेशी कपड़े वे जला देते हैं। वे विदेशी कपड़े पहनते भी नहीं थे, वे अपने विदेशी कपड़े एक तरफ रख देते थे, देसी कपड़े थे जो 3 या 4 वे ही पहनते थे और बाहर भी नहीं निकलते थे, क्योंकि इसके पास इतने कपड़े नहीं थे कि जिसके साथ वे नए कपड़े पहनकर दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सके। इसीलिए वे कपड़े जला देते हैं। जब आग भभक उठती है उसकी माँ को पता चल जाता है, तब उसकी माँ कमरे से नीचे आती है तो उसे पता चलता है और वे शेखर के मुंह में एक तमाचा छोड़ देती है और जिसके कारण शेखर का मुंह लाल हो जाता है। तत्पश्चात ऐसी बात आती है कि शेखर जब छोटा है तो उसके पिता है वे उसे अंग्रेजी में ही शिक्षण देना चाहते हैं, लेकिन शेखर की इच्छा नहीं है। शेखर के पिता इसके भाइयों और शेखर को अंग्रेजी में ही पढ़ाई करने की बात करते हैं, लेकिन शेखर की जो आया थी, सबसे पहले आया थी, वे भी ईसाई थी, वे भी अंग्रेजी में बात करती थी। उसके बाद जो उसके अमेरिका जो इसके गुरु थे और जो अमेरिकन मिशनरी में काम करते थे, मिशनरी था, वे भी उसके साथ अंग्रेजी में बात करते, लेकिन शेखर है वे उसके पिता को बता देते हैं कि मुझे अभी हिंदी सीखना है, मैं हिंदी तो सीख ही रहा हूँ तो मुझे अंग्रेजी की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं था कि शेखर को अंग्रेजी नहीं आता था, शेखर को अंग्रेजी आता ही था, लेकिन उसे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। विदेशी वस्तु एवं भाषा कोई भी चीज के प्रति उसे बहुत ही घृणा थी और वे ढेर लगा देते। तभी एक ही वाक्य उच्चारते हैं, गांधी की बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। इसी प्रकार यहाँ पे हमने इस वीडियो में यहाँ तक देखा है, आगे हमें देखना है कि इसके बचपन में और क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से प्रसंग आते हैं। ये सारी बातें हमें अगले लेक्चर यानी कि पार्ट 2 में अभ्यास करना है। आज जितना पढ़ाया उतना आपको याद रखना है और आपको समझना है और ध्यान से सुनना भी है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए तो आपको आसानी से आ जाएगा।